वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। आज मैं आपके लिए कमोडिटी ट्रेडिंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। कमोडिटी ट्रेडिंग में मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो इंडाइस या प्रोडक्ट है जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं वो है क्रूड ऑयल। जो ये एक है वो 100 शेयर्स का होता है। अगर आप एक क्वांटिटी खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल की तो वो 100 शेयर्स आप एक महीने से क्रूड ऑयल की खरीद रहे हैं। तो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्या? ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंपल है। ये 50 मिनट्स के कैंडलस्टिक पैटर्न पे चलती है। पहला हम इस टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स कर देंगे, ये हो गए 15 मिनट्स। दूसरा हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे, हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाया। RSI की सेटिंग में जाके हम जो उसकी लेंथ पीरियड है जो 14 है उसको हम 3 करेंगे, और यहाँ पे अपर लिमिट जो है उसको हम बढ़ा के 80 करेंगे, और जो लिमिट लोअर लिमिट है उसको हम घटा के 20 करेंगे। ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब हम एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे? जो भी ये ग्रीन कैंडल है उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, और जो भी ये रेड कैंडल है उसे हम बेरिश कैंडल कहते हैं। ये ग्रीन वाली बुलिश, ये रेड वाली बेरिश। तो एक कैंडलस्टिक पैड, एक कैंडलस्टिक हमें 15 मिनट्स का बता रही कि 15 मिनट्स में क्या क्या हुआ। 15 मिनट्स में 9 o'clock क्रूड ऑयल खुला, 9:15 पे ये दूसरी कैंडल बनी, 9:30 पे ये दूसरी तीसरी कैंडल बनी, 9:45 पे ये फोर्थ कैंडल बनी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब स्ट्रैटेजी क्या है? जब भी दो बुलिश कैंडलस्टिक बने, एक 9 पे बनी फिर एक 9:15 पे बनी, जब से ही 9:15 पे बुलिश कैंडल ख़त्म हो तो आपको सीधा RSI पे देखना है उसकी वैल्यू क्या है। 9:15 पे RSI की वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे, मैं मार्क कर देता हूँ, इस जगह पे आप RSI का वैल्यू आपको दिखेगा यहाँ पे, ये 36-38 दिख रहा है, इसे ये RSI की वैल्यू है। सो देखिए, 9 o'clock पे कैंडल खुला, RSI वैल्यू थी 79.386। फिर 9:15 पे जो कैंडल बंद हुई, जो 9:30 पे जो कैंडल बंद हुई, 9:15 पे ओपन हुई, 9:30 पे बंद हुई, क्योंकि 15 मिनट्स का कैंडल है, वो 80 के अबव होना चाहिए RSI की वैल्यू। RSI की वैल्यू वो 80 के अबव होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 9 o'clock की कैंडल खुली, फिर 9:15 पे क्लोज हुई, फिर 9:15 की कैंडल खुली जो 9:30 पे क्लोज हुई। तो दो लगातार बुलिश कैंडल बनी। जब ये दो लगातार बुलिश कैंडल बनी तो आप देखेंगे जो दूसरी कैंडल है वो क्लोज RSI का कहाँ पे था, वो RSI का क्लोज था 81.65। जब भी 80 के ऊपर की क्लोज होगी तो हमारा एक बाय पैटर्न बन जाएगा। तो हम बाय कहाँ करेंगे? हम बाय करेंगे इस कैंडल के ऊपर, जो यहाँ पे हमने बाय लगा दिया, इसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बाय किया, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम इसके नीचे का, इसे मैं रेड कलर से कर देता हूँ। और टारगेट हमारा होगा जो इन दोनों का डिफरेंस है, जितना स्टॉप लॉस है उसका डिफरेंस, 135-22.11 अराउंड टारगेट होगा हमारा 24 पॉइंट्स का, क्योंकि यहाँ पे हमारा मीट हो गया, जो हम मैं फिर से ब्लू से टिक कर रहा हूँ। ये एक सेटअप आपका हो गया और आपका एक प्रॉफिट भी हो गया। एक लॉट पे आपको 24 पॉइंट मिल गए, मतलब 100 × 24 2400 का आपका प्रॉफिट हो गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स की एक कैंडल रेड बन हुई, फिर दूसरी एक रेड, दो बेरिश कैंडल हो गई, लेकिन RSI की वैल्यू 20 के नीचे होनी चाहिए जब भी हम बेरिश देखेंगे। तो RSI की वैल्यू 20 के नीचे नहीं थी, 25.69 थी। फिर से दूसरी तीसरी रेड कैंडल बनी जो RSI की वैल्यू 20 के नीचे क्लोज हुई। तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे हम अगर हम जीरो था इसके नीचे हमें सेल करना था, स्टॉप लॉस हमें लगाना था इसके ऊपर का, टारगेट हमारा यह। अभी मार्केट लाइव है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अभी आपके प्रॉफिट में ही चल रहा है। आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा आ रहा होगा 1 का। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ये ट्रेड पूरा हो जाएगा। फिर एक और ट्रेड देखते हैं, पहले का मार्केट में देखिए, जो 10:45 की कैंडल थी वो रेड थी,
11 o'clock की कैंडल भी रेड थी और वो क्लोज हुई 10:20 के नीचे, तो हमारा यहाँ पे सेल बन गया। तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये था आपका स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड देखिए आपका करीब करीब 4 गुना। आपने जो ये रेड मार्क है इतना रिस्क किया, आपने 2308 पे सेल किया और 2324 का स्टॉप लॉस लगाया और रिवॉर्ड आपको मिला 2137 का, 150 पॉइंट मिले, 150 पॉइंट्स आपको इस ट्रेड पे मिल गए। तो मतलब 15,000 रुपये आपके सामने सामने बन गए। बहुत ही आसान स्ट्रैटेजी है, मैं फिर से आपको एक बार स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। इसको हटा देते हैं। दो बुलिश कैंडल बननी चाहिए, जैसे ही दूसरी बुलिश कैंडल एंड हो आपको देखना है RSI की वैल्यू 80 के ऊपर है नहीं है, फिर तीसरी बुलिश कैंडल बनी RSI की वैल्यू 80 के ऊपर है नहीं है, अब ये ऊपर ज़्यादा भाग गया है, तो हमें प्राइस पैटर्न भी देखना है कि लोअर से बने, 4 पैटर्न बन गए एक बुलिश, तो ये आपका नल हो गया, ये कोई ट्रेड बना नहीं। यहाँ पे आपका प्रॉफिट में रहा है, फिर से आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ का टारगेट आपको अचीव हो गया, राउंड से 1:1 का रेशियो आपको मिल गया। फिर से भाई यहाँ पे देखिए रेड कैंडल 20 के नीचे क्लोज, यहाँ पे सेल किया आपने, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ तक का प्रॉफिट मिला आपको। बहुत आसान स्ट्रैटेजी है और इसकी एक्यूरेसी 90% है, प्रीवियस डाटा से भी मैं चेक कर चुका हूँ, और सिर्फ ये मैं नहीं बहुत सारे ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए दो बुलिश कैंडल फिर से बनी, RSI की वैल्यू 80 के ऊपर गई, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ तक के आपको टारगेट अचीव हुआ। सिंपल ऐसा है, बस आपको वेट करना है पेशेंटली कि कब ये पैटर्न बन रहा है और कब आपका टारगेट मीट हो रहा है। ये देखिए फिर से वही, अभी भी आपके फेवर में ही है ये ट्रेड। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन थैंक यू एंड ट्रेड वेल।